the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. तो कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं संदीप है और टेक क्लब शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर एक नए गेम स्ट्रीम बनना चाहते हैं, नए गेम स्ट्रीमर हैं, तो वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं तीन ऐसी गलतियाँ जो नए गेम स्ट्रीमर करते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि तीन गलतियाँ कौन सी हैं और इन गलतियों से कैसे बचा जाए। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपकी मदद करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों को शेयर करेगा। आज का लाइक हम रखते हैं पूरे 500 लाइक। मुझको मालूम है बड़ा है, लेकिन आपके प्यार के सामने छोटा है। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली गलती की जो मुझको लगती है। तो मैं देखा कि बहुत सारे नए गेम स्ट्रीमर करते ही हैं कि बहुत सारे गेम में एक साथ फोकस करने की कोशिश करते हैं। वो जाएंगे और बहुत सारे गेम खरीद के भी जाएंगे, जैसा कि ये भाई कर रहा है। भाई जल्दी सुन रहा है, यूट्यूब चैनल बनाया, ये गेम लेते हैं एंथम, सुना बहुत अच्छा गेम है, और ये बैटलफील्ड 5 ये भी लेते हैं, भाई बहुत सही गेम है भाई ये, और इसके बाद बैटल फ्रंट 2 ये भी लेते हैं, बहुत अच्छा गेम है, और क्वालिटी सुना है सबका बाप है यार। भाई ये गेम देखा तूने? ये गेम दिखाई तूने? ये ना ये ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यार, ना इसको सुना गरीब खेलता है, बहुत अच्छा है। मतलब है ना, खूब सारे गेम लाते हैं, खूब सारे खेलेंगे और बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल लाएंगे, इतना अच्छा गेम, मतलब मजा आएगा, मतलब बहुत मजा आएगा, तो देखते रहो। गेम ऑफ थ्रोन भी अच्छा गेम है पता है, और क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन है और ये एक्सपेन भी बहुत अच्छा है। भाई ये नाटक और मूवी है, क्या मजाक कर रहा है? ले लेते हैं भाई, लेते खेल लेंगे भाई, यूट्यूब चैनल बनाना गेमिंग का, बहुत अच्छा है भाई, ले लेते हैं भाई प्लीज़ यार। तो इस भाई कहता है बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि ये भाई एक साथ बहुत सारे गेम में फोकस करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए इसमें, तो हो सकता है कि बाद में कंफ्यूज हो जाए कि यार कौन सा गेम खेलूं, और वही कंफ्यूजन फिर इरिटेशन को, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन को पैदा करेगी, और वो अच्छी बात नहीं है। और ये बात बहुत बार मैंने बहुत सारे नए गेम स्ट्रीमर्स के साथ देखी है कि आप बहुत सारे गेम्स में फोकस करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। आप एक गेम पकड़िए और उसी गेम में आगे बढ़िए, उसको प्रैक्टिस करिए और फिर उसी को स्ट्रीम करिए। अब आप बोल सकते हैं संदीप भाई गेम कौन सा खेलें, तो सिंपल सा आंसर आप बोल सकते हैं पबजी या फोर्टनाइट। ऐसा नहीं है, हर एक टाइम का एक फेवरेट गेम हो जाता है, एक गेम ऐसा होता है कि जो हर कोई उसके बारे में बात कर रहा होता है, एक ट्रेंडिंग गेम होता है हर एक टाइम का, जैसे अभी पबजी या फोर्टनाइट है, हाँ, लेकिन आने वाले टाइम पे और भी गेम्स आएंगे। तो जब कभी भी आप ना गेम स्ट्रीमिंग करियर शुरू करने की सोचें, चाहे ट्विच में या यूट्यूब पे, तो आप सबसे पहले उस टाइम के ट्रेंड को देखिए और देखिए कि ट्रेंड में कौन सा गेम चल रहा है। ज़्यादातर एक गेम नहीं, एक से ज़्यादा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि 3-4 गेम हो, उसमें से आप किसी एक गेम को अच्छा माने और उसको आप ढंग से खेल भी सकें, वो गेम आप पकड़िए, और जो बाकी पैसे बचते हैं उससे एक अच्छा माइक ले लीजिए। एक अच्छा माइक बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी गेम स्ट्रीमिंग के लिए। वैसे उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं कि आपको एक अच्छी स्ट्रीमिंग के लिए क्या क्या चाहिए होगा, और बाकी कंपोनेंट्स की भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि आप एक गेम में फोकस करिए, ज़्यादा बहुत सारे गेम में फोकस करने की जरूरत नहीं है, उस गेम को प्रैक्टिस करिए और फिर उसके साथ ही आप आगे बढ़िए। तो ये थी पहली मिस्टेक, और अब चलते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ। दूसरी मिस्टेक ये है कि हम अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते। इतने सारे फ्री में रिसोर्सेज हैं कि अगर हम उनको यूज़ करें तो हम अपने गेमिंग चैनल को या किसी भी चीज़ को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिस्कॉर्ड या फिर थीम्स, जो हम एनिमेटेड थीम्स यूज़ करते हैं। अब डिस्कॉर्ड की बात ले लीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन भले ही आपके व्यूअर्स को आए ना आए, लेकिन अगर आपका डिस्कॉर्ड का सर्वर है, वो वहाँ जुड़े हुए हैं, तो उनको नोटिफिकेशन जरूर जाता है अगर हमने डिस्कॉर्ड सर्वर में नाउ लाइव बॉट कॉन्फिगर कर रखा है। देखने में आया कि नए यूट्यूबर्स को लगता है कि यार उनके डिस्कॉर्ड सर्वर में कौन आएगा, बहुत छोटा चैनल है, इसलिए वो डिस्कॉर्ड सर्वर नहीं बनाते। ये बहुत बड़ी गलती है। आपको डिस्कॉर्ड सर्वर स्टार्टिंग से बनाना चाहिए और वहाँ पर अपनी कम्युनिटी के संग इंटरेक्ट करना चाहिए। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि आपको इस गेम के बाद नेक्स्ट गेम कौन सा खेलना है, और वहाँ पे आप अपना एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। इसलिए डिस्कॉर्ड का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका गेमिंग चैनल है, चाहे आपके पास एक सब्सक्राइबर हो आपके चैनल पे, लेकिन आप डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर बनाइए। अब आप पूछ सकते हैं कि कैसे बनाएं, कैसे कॉन्फिगर करें, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका आपको इन्फो कार्ड यहाँ मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको अपना डिस्कॉर्ड सर्वर सेटअप करना है तो। अब इसके बाद हमने बात की थीम्स की। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेटअप में, क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक एनिमेटेड थीम होती है, कस्टमाइज थीम होती है, तो आपके चैनल को एक अलग लुक देती है, और यही अलग लुक आपको बाकी गेमर से अलग करता है। इसके साथ साथ ये थीम आपको अलाउ करती है कि अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप एक दूसरा वीडियो या कुछ पिक्चर लगा दें, तो लोगों का एंगेजमेंट बना रहता है इससे। अब जब बात आ रही है थीम की, तो थीम कैसे यूज करते हैं मैंने ये भी दिखा रखा है, उसका भी आपको इन्फो कार्ड यहाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे करते हैं, जो नर्ड और डाई वेबसाइट है आप वहाँ जाइए, कोई भी एनिमेटेड थीम को चूज करिए, उसका नाम आप कमेंट में लिखिए। थर्सडे फ्राइडे तक मैं 2 रैंडम विनर्स को पिकअप करूंगा कमेंट से ही, और उसके बाद जो भी आपने थीम बोली है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे 2 भाइयों के पास मौका है नर्ड और डाई की थीम जीतने का, और जो संडे को वीडियो आएगा वहां पर मैं आपका नाम अनाउंस कर दूंगा। सिंपल सा फंडा है। और अब बात करते हैं तीसरी गलती की, और हो सकता है कि आप में से कुछ भाई लोग ये बोले कि ये गलती नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे लगता है।
और तीसरी गलती है कि आप किसी एक गेमर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसके स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और फिर उसको आप कॉपी कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आपको स्टैंड आउट होना है गेमिंग इंडस्ट्री में या स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में, तो आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। तो अगर आप देखें डायनामो और मॉर्टल भाई को, तो उनकी अलग स्टाइल है, वैसे ही और जो भाई खेलते हैं उनकी भी अलग स्टाइल है। तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको अपनी अलग पहचान बनानी पड़ेगी, एक अलग स्टाइल, एक आप कुछ डायलॉग रख सकते हैं अपना, वो करना पड़ेगा। अपने तरीके से अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होइए। अगर आपको गेम स्ट्रीम में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो आपको अपनी एक अलग स्टाइल बनानी पड़ेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको फिर वायरल करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर तीनों पॉइंट खत्म हुए। होपफुली इन पॉइंट से आपकी मदद हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और इसके साथ साथ एक और बात बोलना चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीक में 3 वीडियोस को अपलोड करूं, तो 2 वीडियो होंगे और एक वीडियो संडे को आएगा, जैसे ये वीडियो आया है। लेकिन संडे वाले वीडियो में जो वीक में हमने वीडियो अपलोड किए हैं, उनमें अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा, ताकि जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं उसका फंडा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं उन सबका मैं आंसर एक वीडियो में दे सकूं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में देना पॉसिबल नहीं है। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा और मेरी इस पहल से आपको कुछ मदद मिलेगी, मुझको ऐसा लगता है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, और जिस भी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स हुए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मैं, अगर मुझको चीज आती होगी तो। और हाँ, लाइक टारगेट और गिवअवे के बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा। गिवअवे के लिए अपना जो भी थीम आपको अच्छी लगती है, फुली एनिमेटेड जो भी आपको थीम पसंद है, आप उसका नाम लिखिए और दो भाइयों को चूज करेंगे और उनका नाम संडे वाले वीडियो में पब्लिश कर देंगे। तो वैसे आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने आज के वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, अगर आज आपका पहला दिन है चैनल में, तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शर्म किस बात की, भाइयों का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।